हेलो दोस्तों, हम इस वक्त सारंगखेड़ा मेले में और हमें मिले जायद भाई जो कि यूपी से लाए इनके साथ 20-22 घोड़े और घोड़िया। तो जानते हैं इनके क्या कुछ घोड़िया है और सभी डिटेल्स, और काफी अच्छे अच्छे इनके पास घोड़े और घोड़िया है और प्राइस भी हम इनकी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो वेलकम जायद भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो जायद भाई, आप कब आए सारंगखेड़ा मेले में? हम आए 2 तारीख में। 2 तारीख को? तो कैसा है इस बार का मेला? अच्छा है। अच्छा है। हाँ। और जो भी घोड़ों की जो सुविधा है, पानी वगैरह कोई? हाँ, बराबर एकदम, मतलब कुल मिला के सब अच्छा है? हाँ, सब अच्छा है एकदम। ठीक है, ठीक, पूरी सुविधा। अगर किसी चीज को अपना बोलते तो तुरंत आती वो चीज। ठीक है, ठीक है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। और अभी हम और आपके, आप कितने लोग आए हो इतने घोड़े, 20-22 घोड़े? मतलब 5 लोग है। 5 लोग? तो 5 लोगों से हैंडल हो जाते इतने घोड़े? हाँ, करते ना, करते 3 लोग करते हैंडल। 3 लोग? हाँ। और 5 लोग आए, बाकी 2 बैठते, एक खाना बनाता, एक बेचता। एक बेचता है, ठीक है, ठीक है। और अभी हमारे सामने जो ये घोड़ा है या घोड़ी है? घोड़ा है। घोड़ा है, इसको हम कुम्मेद बोल सकते हैं? हाँ, कुम्मेद, तेलिया कुम्मेद। हाँ, तेलिया कुम्मेद है, ऑस्ट्रेलियन। ऑस्ट्रेलियन? हाँ। कौन सी ब्रीड का है? ऑस्ट्रेलियन है ब्रांड, अभी इसका विराट कोई नहीं है। ब्रीड नहीं, मतलब नस्ल कौन सी इसकी? ऑस्ट्रेलियन है। ऑस्ट्रेलियन नस्ल है क्या? पंजाब, पंजाब क्रॉस है, मतलब ऑस्ट्रेलियन के साथ। तो देख सकते हैं आप, एक अभी हम बोले तो लाइन का भी बता सकते हैं। बराबर है, ठीक है, लाइन के जैसे ही दिखता वो, देखो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अगर झूठ बोलने में कुछ नहीं जाता। ठीक है, ठीक है। और दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि इस घोड़े को हम बाहर निकाल के रिंग में भी डिस्प्ले करेंगे, क्योंकि इसकी जो ब्यूटी है आप देख ही सकते हो। और ये पवन भैया जो कि अजीत भाई के हेल्पर है, पवन भैया थोड़ा दूर हट जाओ, देख सकते आप इसका स्ट्रक्चर और इसकी शाइनिंग जो कि देखते ही बनती है। और अजीत भैया, इसको जो अभी जैसे इतना हट्टा कट्टा घोड़ा है, तो इसकी डाइट क्या देते हो आप इसको? इसको हम गेहूं खिलाते, चना खिलाते। गेहूं खिलाते और चना खिलाते? चना खिलाते, चोकर खिलाते, चोकर, गेहूं का चापर। और कुछ एक्स्ट्रा भी आप देते हो? नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देते। कुछ नहीं, यही जब नॉर्मल चीजें खिलाते। और इसको आपको मिनरल्स और सप्लीमेंट्स, पाउडर वगैरह कुछ? पाउडर वाउडर कुछ नहीं खिलाते हम, सिर्फ अपनी ये 3 चीजें इस्तेमाल करते हैं। और इसको कुछ एक्सरसाइज वगैरह? कुछ नहीं, बस दौड़िंग करवाते हैं सुबह में, शाम में बस। तो ठीक है, ठीक है। और इसकी उम्र क्या है अभी? उम्र है अभी 3 साल का। 3 साल का? हाँ। और इसकी हाइट? हाइट है 62। तो अभी जैसे 3 साल का है, तो आपने इसको क्या किस सेल के लिए आया? शो में सेल के लिए आया, सेल भी हो गया। सेल भी हो गया? हाँ, हो गया। तो क्या रेट लगाई है इसकी? 5,51,000 का। देख सकते हैं दोस्तों, 5,51,000 का। तो जायद भाई, आपका ये सबसे महंगा घोड़ा है, इससे भी महंगे घोड़े आपके पास? सबसे महंगा यही है, सबसे महंगा यही है। हाँ, यही। इसकी रेट जो है आपने जो बताई वो 5 लाख? 5,51,000 रवि दादा ने लिया। और रवि दादा ने? रवि दादा कहाँ से? डॉन। डॉन? हाँ। गांव का नाम उनका? गांव उनका डॉन पड़ता। पंजाब में? नहीं नहीं, महाराष्ट्र में अखलूज के पास। अखलूज के पास, ठीक है, ठीक है। बीगा उनके आगे डॉन नहीं पड़ता। ठीक है, अभी हम आते हमारे अगले घोड़े के ऊपर। ठीक है, ये नुखरा है। हाँ, जो आती है जायद भाई। अभी ये कौन से नस्ल का घोड़ा है? ये पंजाब है। पंजाब है? और इसका पूरा व्हाइट है कलर? हाँ, पूरा व्हाइट है, कोई स्पॉट नहीं? कोई स्पॉट नहीं, कहीं दाग नहीं कहीं पर भी इसके। मतलब हम इसे स्पॉटलेस बोल सकते हैं? नहीं, नहीं बोल सकते, आप होगा तभी तो बोल सकते हैं। स्पॉटलेस मतलब एक भी स्पॉट नहीं ना इसके? नहीं नहीं, बिना स्पॉट भी नहीं है, बिल्कुल एक रंग सफेद। हाँ, एक रंग सफेद, पूरा व्हाइट। और इसकी उम्र क्या है अभी? इसकी उम्र है 2.5 साल। 2.5 साल? ठीक है, ठीक। और 2.5 साल यानी मैं मतलब अभी और हाइट करेगा? हाँ, करेगा ना। और अभी हाइट कितनी है इसकी? अभी हाइट है 63 इंच। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 63 इंचेस का एक घोड़ा है। अभी थोड़ा दुबला पतला है, लेकिन जब ये पूरी तरह से सफर में होगा, हाँ, सफर में खराब भी हो जाते हैं और घोड़े थक भी जाते हैं, तो इसका एटीट्यूड भी काफी अच्छा है। और इसको भी वही फीड देते हो आप? हाँ, सबको वही देते। ठीक है, ठीक है। और ये भी सेल के लिए? हाँ, ये भी सेल के। और इसकी प्राइस क्या मांगते हो आप? 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए? और इसके अंदर कोई कम ज्यादा हो गया फिक्स है? नहीं, इसे फिक्स रेट बता रहे। फिक्स रेट बता? ज्यादा हो गया तो 40-50 हजार कम से ही, 3 लाख से कम का देने का नहीं। ठीक है, ठीक। मतलब ये जो प्राइस है थोड़ी बहुत कम हो सकती है, आप यहाँ पे आके देख सकते हैं इस घोड़े को। वो ये जितने का भी का उतना बताया हमने। ठीक है, ठीक। इसके तो 3.5 मांग रहे, 3 लाख से नीचे नहीं दे सकते। ठीक है। तो जायद भाई, हम आते हैं हमारे अगले घोड़े पे जो कि काला अबलक। काला अबलक ही बोल सकते हैं? हाँ, काला बांडा।
और जायद भाई इसके जो कान, इसको क्या हुआ है? वो बचपन में लग गया था, उसके कट गया था। कट गया था, घोड़े ने काट लिया वो? नहीं नहीं, वो मशीन वगैरह नहीं रहती है, कुट्टी खाने वाली। ठीक है, उसमें हो गया था ये। तो अभी इसकी उम्र क्या है? इसकी उम्र है 2 साल। 2 साल। और ये कौन से नस्ल का है? ये भी पंजाबी। पंजाबी नस्ल का। चाल चलता है? चाल चलता है। तो चाल स्पीड की 35-36। और इसकी क्या रेट मांग रहे हो? इसकी मांग रहे 5 लाख रुपए। इसकी भी 5 लाख? 35-36 चलता है। 35-36 यानी चालबाज घोड़ा है। चालबाज है। ठीक है ठीक। और इसकी उम्र क्या है अभी? इसकी उम्र 2 साल। 2 साल। और हाइट? हाइट होगी 61। ये जो चालबाज घोड़े होते हैं, इनकी उम्र हाइट थोड़ी कमी होती है? वो सवारी चाल पे शुरू से ही लगा देते हैं। ठीक है ठीक है। और ये जो चालबाज घोड़े होते हैं, इनको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है या इनके मालिश भी चाहिए? शाम को रेगुलर चाहिए? रेगुलर चाहिए इनको मालिश। ठीक है ठीक है। इनका खाना भी अलग रहता? तो इनको क्या रहता और वगैरह, चीनी? इनको क्या एक्स्ट्रा खिलाते हैं? मतलब ये चीनी वगैरह, गुड़ वगैरह और भी वगैरह वगैरह आइटम रहते हैं। ठीक ठीक। आप देख सकते हैं ये काला ब्लॉक ये घोड़ा है, और काफी अच्छे इसके बोन और वो भी है। ठीक है जावेद भाई, हम आते हैं हमारे अगले घोड़े। तो कौन भैया, ये कौन से नस्ल का है घोड़ा है? ये पंजाबी है। ये भी पंजाबी है? हाँ। तो आप ये जो पंजाबी घोड़ा, इसका कलर कौन सा है? इसका कलर है कुमेट है, और ये चालबाज घोड़ा है। ये भी चालबाज है? हाँ। और इसकी चाल कितनी चलता है? ये चलता 40 के आसपास चलता है। अरे बाप, 40। तो हम इसको मेले का सबसे फास्टर घोड़ा बोल सकते हैं? जब मालूम पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये चालबाज घोड़ा, इसलिए इसके पैरों की वगैरह सब वो ये पट्टी क्यों बांधते जावेद भाई? इसलिए पैर खराब नहीं हो। पैर खराब ना हो? मुट्ठा वगैरह नहीं है। मुट्ठा वगैरह। और इससे कोई प्रॉब्लम भी होती है अगर ये नहीं बांधा तो? प्रॉब्लम ये होती है पैर खराब हो जाती है। पैर खराब हो जाते हैं? ठीक है ठीक है। यार कुल मिलाकर ये रेस वाले घोड़ों की ज्यादा केयर करनी पड़ती है? ठीक है ठीक। और इसकी भी कोई आप प्राइस मांगते हो ये सेल पे? 7.5 लाख रुपए। और इसका नाम कुछ रखा है आपने? नाम कुछ नहीं रखा। नाम कुछ नहीं? नाम कुछ नहीं। नाम के लिए टाइम ही नहीं है हमारे पास, बहुत सारे रहे। और ये बाल भौरी का क्लियर है? एकदम साफ। आप देख सकते हैं इसको देवमन भी काफी बड़ा है, जो कि चेतक फेस्टिवल में यहाँ के लोग ज्यादा बाल भौरियों में विश्वास करते हैं। तो जायद भाई, हम आते हैं हमारे अगले घोड़े के ऊपर, जो की नुकड़ा घोड़ा, संजाब घोड़ा है। ठीक है ठीक। और ये संजाब घोड़ा है, लेकिन काफी खूबसूरत ये दिखने में। आप इसकी ब्यूटी जो भी स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं। तो जायद भाई, इसका नाम कुछ रखा है? नाम नहीं रखा। राम नाम नहीं है? ठीक है ठीक है। अभी लाते, अभी सेल करते, फिर लाते, फिर सेल करते। ठीक है ठीक है। अभी और इसकी नस्ल क्या है? इसकी संजाब है, नस्ल पंजाब। पंजाबी नस्ल का घोड़ा है, आप देख सकते हैं। और इसकी हाइट क्या होगी जायद भाई? 61 है। 61 इंचेस इसकी हाइट है। और इसका ये कोई लाइन से? नहीं, लाइन का कोई नहीं है, अनोन है, बोलने से कोई फायदा नहीं। ठीक है ठीक है। और इसका कोई रेट रखा है आपने? हाँ, इसके 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। और उम्र क्या बताया आपने इसकी? इसकी 2.5 साल। देख सकते हैं 2.5 साल, 61 इंचेस इसकी हाइट है। और प्राइस क्या बताया आपने इसकी? 2.5 लाख रुपए। ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम एंड में और डिस्क्रिप्शन में जायद भाई का नंबर दे देंगे, आप कॉन्टेक्ट कर से इनसे सारे घोड़ों की डिटेल पूछ सकते हैं।